आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। सर ये चैप्टर और कितना बचा है? खत्म करने को तो बहुत जल्दी भी खत्म किया जा सकता है बेटा, बहुत सारे टीचर्स तो पढ़ाते ही नहीं, वो केवल कहते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वो अगर मैं बोलूंगा तो इट कैन बी फिनिश्ड इन 5 मिनट्स। डू यू वॉन्ट? नहीं सर, मैं बोल रही थी आप कितने। चलिए तो कीप ऑन राइटिंग, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप जब चैप्टर पढ़ लें तो आपको क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व होने चाहिए। आसान सा चैप्टर है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें भी नहीं है इसमें। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लिखिएगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस या प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसमें देखो बेसिकली प्रिपरेशन में, अब इसमें ये हो सकता है कि छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनकी ग्रुपिंग करके बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देना, यानी कोलॉइडल रेंज में ले आना, एक वो तो होगा, और एक होगा बड़ा जो होगा, ठीक है ना, उसको ब्रेक कर देना इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। यही दो चीजें होंगी बेटा, एम आई करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर। और एक चीज तो आपको क्लियर ही है कि अगर बाय चांस लायोफिलिक कोलॉइड है तो वो तो अपने आप ही बन जाता है, यू जस्ट मिक्स। लायोफोबिक सॉल्ट्स के लिए वी रिक्वायर स्पेशल टेक्निक्स, लिखिएगा बेटा। द लायोफोबिक सॉल्ट्स, द लायोफोबिक सॉल्ट्स रिक्वायर, द लायोफोबिक सॉल्ट सॉल्स रिक्वायर स्पेशल टेक्निक्स, रिक्वायर स्पेशल टेक्निक्स फॉर देयर प्रिपरेशन, स्पेशल टेक्निक्स फॉर देयर प्रिपरेशन। द मेथड्स, ऐसा करके लिखेगा, मेथड्स कंसिस्ट ऑफ, या मेथड्स कंसिस्ट आइदर, नंबर वन ब्रेकिंग डाउन दी एग्रीगेट्स इंटू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज, यानी कि अगर वो बड़े पार्टिकल्स हैं तो उनको आप कोलॉइडल साइज में आप ब्रेक कर लो तो आपको मिल जाएगा। नंबर टू ग्रुपिंग मॉलिक्यूल्स इनटू लार्जर एग्रीगेट्स ऑफ कोलाइडल साइज। देखो ये लिखना जरूरी है कि आपको एंड में कोलाइडल साइज में ही लेकर आना है, और इन दोनों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक लिखते हैं डिस्पर्जन मेथड, और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। कितना लिख लिया बेटा? यस सर।
अब इसमें लिखिएगा पहला मेथड। किसी ने कुछ बोला क्या बड़ा? हाँ सर, एक वो 1 मिनट उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो। हाँ हाँ ले ले। हाँ सर, ले लिया, थैंक यू। हाँ देखो इसमें लिखिएगा पहला डिस्पर्जन मेथड्स होते हैं एक्चुअली, इसको कैटेगरी ए करके लिख सकते हो। अरे सो आई वाज सेइंग इसको आप कैटेगरी ए करके लिख सकते हो। इसमें डिस्पर्जन मेथड्स में कई सारे हैं, तो उसमें जैसे पहला है जिसको लिखते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन ये मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, इसमें ब्रेक करने का सॉलिड पार्टिकल्स मैकेनिकल ग्राइंडिंग की जाती है। ऐसी शॉर्ट में लिखेंगे, इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं कोलोइडल मिल का। दिस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू मेटल डिस्क हेल्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, आपको दिख रहा है? और जैसे ही आप मटेरियल को इसके अंदर डालोगे, द पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू कोलाइडल डाइमेंशंस बोलते हैं। मेथड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें आप चाहो तो पॉइंट करके लिख सकते हो, बाकी ऐसी कोई वो नहीं है। इसमें लिख लो बड़ा, एक स्टेटमेंट तुम्हारे लिए बोल देते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्जन करके लिखेगा। आर यू रेडी बेटा? ये पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ एक सेकंड सर, लिखेगा, मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज डन इन कोलॉइड मिल, मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज डन इन कोलॉइड मिल। वेयर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इन इस डन इन कोलॉइडल डायमेंशन, कोलाइड। कोलॉइड मिल, MILL, एंड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू कोलॉइडल डायमेंशन। ठीक है, ये पहला मेथड लिख लिया। अब दूसरा मेथड लिखिएगा बड़ा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कहते हैं। तो एक बार लास्ट लाइट जा रहा हूँ। हाँ जाता, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। या इसको हम लोग ब्रेडिग्स आर्क मेथड कहते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो बेटा। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। देखो कोलॉइड मिल में ऐसा कुछ नहीं है, दो मेटल डिस्क रहती हैं बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे और अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करती हैं हाई स्पीड से कुछ 700 RPM, और मटेरियल जो भी आप डालोगे दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कोलॉइडल फॉर्म्स। अब सेकेंड लिखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। हाँ सर, इसमें बोलिए। बोलिए। हाँ, इसमें लिखिएगा दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स
दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन. Involves dispersion as well as condensation. In this method, इसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो पेपर पे हल्की फुल्की, बाद में ड्रॉ कर लेना. इन दिस मैथड इलेक्ट्रिक आर्क is struck between electrodes. In this method, electric arc is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion media. Immersed in the electrodes of the metal. Metal immersed in the immersed in the dispersion medium. यहां तक लिख लिया बेटा सबने? The heat, the intense heat produced. The intense heat produced vaporizes the metal. देखो आइस बाथ भी रखा हुआ है यहां पर कंडेंसेशन कराने के लिए. वेपराइजेस द मेटल which then condenses to form particles of colloidal size. समझ गए होगा सब लोग. पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज यूजिंग दिस मेथड कोलाइडल सॉल्स ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सामने देखो, सिल्वर, प्लैटिनम etc. can be prepared. कितना लिख लिया बेटा? सर यूजिंग दिस मेथड के बाद वापस रिपीट करिए ना. यूजिंग दिस मेथड सॉल्स ऑफ मेटल्स, सामने देखो मैंने लिख दिया सॉल्स ऑफ मेटल्स, ये लिख दिया एटसेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड. सर ये जब भी कंडेंस होगा तभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के मॉलिक्यूल्स सॉल्ट्स ये बनेंगे राइट मॉलिक्यूल्स. नहीं तो हम लोग वो अगर वो जो ये मेथड बोल रहा है इसका मतलब हमको ये मानकर चलना है कि इस मेथड से हमें कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं. ओके तो मैकेनिज्म ऐसा होगा कि मतलब हाँ वही टाइप का मिलेगा. हाँ ओके ठीक है. अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि ब्रेटिक्स आर्क मेथड इन्वॉल्व्स, उसमें लिखा हुआ है डिस्पर्जन ओनली कंडेंसेशन ओनली, डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन बोथ. अब अगर आपने ब्रेटिक्स आर्क मेथड पढ़ा ही नहीं कभी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, और पढ़ा है तो 5 सेकेंड्स में आंसर होगा. अपने माइंड में इस तरह से आप सोचिए कि केवल कंटेंट आपको लिख कर रखना है, आंसर आपकी पॉकेट में होगा 5 सेकेंड्स के अंदर एग्जाम. ठीक है? यस सर. अब इसमें जो इसमें फिगर में नहीं बना हुआ है बट यहां पर
जो सॉल्वेंट होता है, जो लिक्विड होता है, उसके साथ साथ हम एल्कली भी ऐड करके रखते हैं। ये स्टेबलाइज करता है एक्चुअली जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको। अभी कैसे करता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट मेथड लिखेगा बेटा। सर वो किसको स्टेबलाइज करते हैं? कोलाइडर पार्टिकल्स जा जो सॉल्व बन रहा एल्कलाई है उसको डाल। स्टेबलाइज। चलो थर्ड लिखिएगा बेटा, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन पहले समझ लेते हैं पेप्टाइजेशन है क्या। आर यू रेडी? लिखिएगा, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट बाय टेकिंग इट विद द डिस्पर्जन मीडियम। कोलोइडल सॉल्ट बाय सामने लिख रहा हूं, मीडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। कितना लिख लिया बेटा? और दर इसमें लिखेगा, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट, द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स ये बोल दिया मैंने, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स। सर डी वाला एब्जॉर्ब है। हाँ एडी एब्जॉर्ब्स वन ऑफ द आयोन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वन ऑफ द आयोन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। ऑन इट्स सरफेस दिस कॉजेस सर वन ऑफ द आयोन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वन ऑफ द आयोन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। दिस कॉजेज द डेवलपमेंट, दिस कॉजेज द डेवलपमेंट
ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट्स, ऑन द प्रेसिपिटेट्स विच अल्टीमेटली ब्रेकअप विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ अ कोलॉइड, स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ द कोलॉइड। देखो अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने लाइक एक केस कंसीडर किया कि सिल्वर नाइट्रेट, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, AgNO3 है, उसको आपने KI सॉल्यूशन में डाल दिया, राइट ना। तो जब तुमने AgNO3 को KI में डाला तो तुरंत तुम्हें ये AgI का प्रेसिपिटेट मिला, और वो जो AgI का प्रेसिपिटेट है, इट हैज बीन फाउंड कि जो प्रेसिपिटेट मिलता है उसका कॉमन आयन अगर सॉल्यूशन में है तो ये उसको एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। इस तरह से ये प्रेसिपिटेट निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ये मैं अभी डिटेल में कराऊंगा, अभी तो हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। इसको प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थियरी कहते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कि जो आयन उसका है और वही सॉल्यूशन में पड़ा है तो वो सरफेस पे आ जाता है, तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अभी क्या होगा, बिकॉज ये सारे पार्टिकल्स निगेटिव निगेटिव हो गए तो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, इस तरह से फिर डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक कर जाते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स पे और फिर इस तरह से आपको कोलॉइड मिल जाता है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखा दिया है तो इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जनरली जो एक्चुअली फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनको हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे ये हो गया, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, AgCl को ब्रेक कर सकते हैं, AgI को ब्रेक कर सकते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हेलाइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय दिस पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ये फिनिश कर लिया बेटा, इसको बढ़ा दें अभी। सर वो आपने एग्जांपल्स क्या क्या लिखे हैं? FeOH3, AgCl, AgI, AlOH3। और सर वो जो नीचे आपने समझाया वो डायग्राम के थ्रू, वो आप वापस बता सकते हैं? ये अभी हम बाद में फिर से पढ़ेंगे कि AgNO3 को KI में डालेंगे तो Ag+ और I- कांटेक्ट में आएंगे तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा, AgI प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एम आई करेक्ट? यस आप AgI KI के सॉल्यूशन में आ गया और इसका कॉमन आयन कौन सा है, I-, तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है I- का इस पेप्टाइजेशन के दौरान, तो I- सरफेस पे आ गया AgI की। इस तरह से ये जो सॉल्व बना, ये जो भी बन रहा प्रेसिपिटेट, वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसके होने से क्या होगा कि ये पुश करेंगे एक दूसरे को, जितने जो भी प्रेसिपिटेट्स हैं, एंड दिस वे दे गेट डिस्पर्स्ड। ठीक है, इस तरह से आपको ओके फिर सर, सॉल्व मिल जाता है। चलो यस सर, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, कंडेंसेशन मेथड्स। ए हमने कर लिया डिस्पर्जन, अब लिखिएगा कंडेंसेशन मेथड्स। ट्रस्ट मी, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आपका अगर जे एडवांस में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस चैप्टर का।
कंडेंसेशन मेथड्स। इसमें एक नोट लिखिएगा, कोलोइडल सिस्टम्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस केमिकल रिएक्शंस। कोलोइडल सिस्टम्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस केमिकल रिएक्शंस सच एज वेरियस केमिकल रिएक्शंस सच एज डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा। आई रिपीट, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा। जितना मैं बोल रहा हूं उतने एग्जाम में आएगा, आप टेंशन मत लेना। और ऐसा नहीं कि हमेशा बन जाता है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस हमको मिलता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल तुमको दू डबल डिकम्पोजिशन का, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ना, तुम्हें एग्जाम में बस वही आएंगे, आप टेंशन मत लेना। तो इसमें जो आर्सेनिक वाले सल्फाइड्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ जो आर्सेनियस ऑक्साइड होता है, AS2O3 आप लो और इसमें H2S पास कर दो तो आपको AS2S3 मिल जाता है। तो यहां पर आपको कोलोइडल सिस्टम मिला आर्सेनियस सल्फाइड का बाय डबल डिकम्पोजिशन। दूसरा लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। कीप ऑन कॉपिंग विद मी। ऑक्सीडेशन सर जो फर्स्ट है उसका एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो? उसकी जरूरत नहीं है, रिएक्शन ही देना। तो आप okay. अपने मर्जी से ऐसे लिख सकते हैं, H2S इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड। ओके, बाद में फिर वो एक्सेस ऑफ H2S वगैरह रिमूव करते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। वो तो खाली आप ध्यान रखना कि रिएक्शन से मिल रहा है। वो पूछेगा इन विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिस कोलोइडल सिस्टम इज प्रोड्यूस, तो ये एक एग्जाम्पल आपका रहेगा। उसमें ऑक्सीडेशन में कोलोइडल सल्फर ऑप्टेन किया जाता है ऑक्सीडेशन मैथड से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S विद एयर। एयर ले लेते हैं, कई बार सल्फर डाइऑक्साइड भी डाल देते हैं। तो इसमें H2S, या आगे चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप पी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तो अब तक शायद किया होगा, नहीं तो आपको कराया जाएगा। H2S मोस्टली सल्फर में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर आपको सल्फर कोलोइडल सल्फर यहाँ मिलता है। तो रिएक्शन में हम इनऑर्गेनिक में लिखते हैं बेटा यहाँ पर कोलोइडल सल्फर, ठीक है? तो ये लिख लो आप। इसी तरह से आप चाहो तो SO2 को भी दिखा सकते हैं यहीं पर, ये आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बना सकते। इसी में एक्चुअली कुछ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है? उसमें आपको जो मिलता है पॉलीथायोनिक एसिड। कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस फॉर्म, ऐसे करके लिख सकते हो, पॉलीथायोनिक एसिड्स। और इनमें एक्चुअली ये जो कोलोइडल सल्फर है, ये इसके साथ मिलकर के बिगर कोलोइडल पार्टिकल्स बना देते। इनको भी हम लोग मिसेल बोलना शुरू कर देते हैं। जो कोलोइडल सल्फर यहां मिला और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुई जिससे पॉलीथायोनिक एसिड मिला, तो ये दोनों साथ में मिलकर के
यू आर गेटिंग बिगर कोलाइडल पार्टिकल्स विच वी कॉल मिसाइल्स, ठीक है, सर एंड दे आपने आर क्या लिखा है थर्मोडायनेमिकली नाउ मोर स्टेबल। सर? समबडी सेइंग समथिंग बेटा? यस बेटा। या सर आपने क्या लिखा है, इफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अकर देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथायोनिक एसिड, ओके पॉलीथायोनिक एसिड एंड पॉलीथायोनिक एसिड्स व्हेन कंबाइंड विद कोलोइडल सल्फर दे गिव बिगर कोलोइडल पार्टिकल्स। अगर मैं पॉलीथायोनिक एसिड में एक एग्जांपल लूं, H2S5O6, इसको हम लोग पेंटाथायोनिक एसिड बोलते हैं, पेंटाथायोनिक एसिड, ठीक है, ये कोलाइडल सल्फर के साथ जाता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो मिसल फॉर्मेशन होता है, तो हम इसमें ऐसा बोलते हैं कि ये जो पेंटाथायोनिक एसिड है या पॉलीथायोनिक एसिड है ये एक्चुअली एक स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है सल्फर कोलाइड के लिए, कोलाइडल सल्फर के लिए, क्योंकि इसके आने से क्या हुआ, वो एक ज्यादा स्टेबल कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने मिसेल नाम दिया। लिख लिया बेटा सबने ये रिएक्शंस? हटा दें अभी इसको। सर वो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? वही कौन से रिएक्शन का बेटा? H2S5O6 ये मिसल फॉर्मेशन होता है इसका, इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए कि M पार्टिकल्स आपने ले लिए सल्फर के लिए, है ना, और N पार्टिकल्स आपने ले लिए लाइक S5O6 2-, है ना, ये H मैंने यहाँ से H हटा दिया, ऐसा नहीं कि H भी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर कुछ नंबर होगा और यहाँ H प्लस लिखा होगा, तो इस तरह से कुछ मिसल का इंडिकेशन करते हैं, ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो इट इज नॉट काइंड ऑफ की कोई एक रिएक्शन जब कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको मिसेल मिल रहा है आप, ठीक है बेटा, चलो यस सर इसको हटा दे अभी, स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, हाँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके तुम मुझसे बाद में पूछ भी सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। शुड आई रिमूव दिस? यस सर अब आप लिखिएगा नेक्स्ट, इसी में दो रिएक्शंस मैंने बता दी ना, अब तीसरा लिखो रिडक्शन, रिडक्शन, इसमें लिखिएगा सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स सच एज, सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, आर ऑब्टेन्ड बाय, यस एक बार पूरा वापस। बेटा पूरा रिपीट कर देता हूं मैं, सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम आर ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ दियर सॉल्ट्स, रिड्यूसिंग एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ दियर सॉल्ट्स बाय बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज फॉर्मल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फोरस, देखो एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं अगर इसमें तुम्हें लिख कर दूं, मान लीजिए कि आपने
इसमें लिया लेट अस से ऐसा इतना आपको रटने की जरूरत नहीं, केवल आप इतना ध्यान रखना कि कौन सा मेटल क्या ले रहा है और उसके लिए हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट चूज किया वो क्या है। तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि गोल्ड वाले केस में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो यहाँ जो हमको मिला ये एक्चुअली इसको हम लोग हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो हमें गोल्ड सॉल मिल जाता है। फॉर्मल्डिहाइड बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट है इसीलिए वो सेल्फ ऑक्सीडेशन में जा रहा है और आपको इस तरह से फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट मिल रहा है। अगर जैसे वहां सीओ3 के नीचे H2O लिखा है ना। पर बेटा हाँ KCl के नीचे H2। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना बेटा कि अभी थोड़ी देर पहले कि एक स्टेबलाइजर जो पॉलीथायोनिक एसिड है वो कोलाइडल सल्फर को स्टेबलाइज करता है मिसल फॉर्मेशन करके, उसी तरह से जो ये आपने KAAUO2 लिखा ना इसको पोटेशियम ऑरेट कहते हैं, पोटेशियम ऑरेट ये जो है ना ये इस गोल्ड के लिए बेसिकली स्टेबलाइजर का काम करता है, ठीक है, और एक मिसेल ऑफ गोल्ड सॉल्ट बनाकर देता है। और फॉर्मूला उसी स्टाइल में आप लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखा था, समझ लो जैसे यहाँ सल्फर लिखा था अभी यहाँ पर AU लिख दिया मैंने, है ना ऐसा। और बाकी आप जो K+ है वो यहाँ लिख रहे हो, है ना, इस तरह का कुछ आप मिसेल फॉर्मेशन दिखा सकते हो। तो अगर आप कुछ डिफिकल्ट सा पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है ना, ये तो ये पोटेशियम ऑरेट एक्चुअली एक्ट्स एज स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर फॉर दिस गोल्ड सॉल्ट। सॉरी, आप मुझे लेफ्ट पे जो भी लिखा है वो वापस पढ़ा सकते हो? ये बिल्कुल पुराना है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर बोला ना पॉलीथायोनिक एसिड जो है सल्फर के साथ मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है कोलाइडल पार्टिकल, है ना, उसको मिसेल नाम दिया, ये मैंने यहाँ देखो लिखा था वैसे ही वहां लिखा था, वहां देखो एम सल्फर लिखा था N(S5O6) लिखा था, यहाँ पर NAU लिखा NAUO22- लिखा, सर ठीक है, वहां वहां पे क्या लिखा है? पीछे वहां पर पीछे वाले साइड पे वाली स्लाइड में भी वैसे ही है, सेम नहीं लिखा है? अच्छा नहीं यहाँ पर वो अलग है ना, सल्फर कोलाइडल सल्फर है उसका उसका जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो अलग है या ये है। तो अगर वो तुम मिस कर दिया है तो तुम इस पे ध्यान दो, फिर बाद में उसको लिख लेना। ये कॉपी कर लिया बड़ा, कंटेंट रखिए अपने पास, क्वेश्चंस तो आएंगे तुम्हारे पास, फिर तुमको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर तुम्हारे नोट्स में सब कुछ है तो कहीं से भी वो कुछ भी पूछ लेगा इससे रिलेटेड, यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ रट जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा और आप कर पाओगे आपके पॉकेट में आंसर आएगा तो चीजें अपने आप याद होंगी। शुड आई चेंज दिस पेज? यस। सर, आपने जो लेफ्ट में लिखा वो एक बार बोल सकते हो? वो लिखा हुआ नहीं हाँ समझ रही। मैंने ऐसे लिखा बेटा, पोटेशियम ऑरेट एक्ट्स एज स्टेबलाइजर फॉर गोल्ड सॉल्ट। सर जो नाम लिखा है मिसेल का, उसमें AuO2 2- के बाद क्या लिखा है? डॉट एंड डॉट लेफ्ट। यहाँ पर कोई नंबर होगा और उसके बाद K+ है। ओके हाँ
सर जो KaOO2 है तो वो मिसेल है। वो मिसेल है उसमें एक्चुअली होता है क्या है, या नंबर इसलिए मैंने, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टोटल एन के प्लस होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर Na2O2 माइनस है, तो मैं यहाँ पर एन माइनस एक्स करके लिख रहा हूँ, और इस पूरे के बाहर डॉट एक्स के प्लस ऐसे करके, तो टोटल में देखोगे कि के प्लस उतना ही है, एन माइनस एक्स और बाहर एक्स है। इतना डिफिकल्ट से मैं बना के लिखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको करली ब्रैकेट करके डाल दिया, बट ओवरऑल के प्लस भी उतने ही होंगे जितने AuO2 2- होंगे। हटा दें बेटा इसको। यस सर। वेरी गुड, अभी आप लिख लीजिएगा बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, सर एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा। हाँ, स्क्रीनशॉट, सब लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखिए। हाँ बेटा, हटा दें अभी। हाँ हाइड्रोलिसिस में लिखिएगा बेटा, कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स, कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्ट्स। जैसे कि फेरिक क्लोराइड को बॉइलिंग वाटर के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमको सर, आप एक रेड बार ब्राउन स्टेटमेंट सॉल्ट रिपीट कर मिलता है, सकते हैं क्या? वी गेट रेड ब्राउन सॉल्ट। सर आप अपना स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो क्या? यस बेटा, कोलोइडल सॉल्ट्स, SOL बोल रहा हूं बार बार, सॉल्ट मत लिखना, कोलोइडल सॉल्ट्स, सॉल्ट्स या सॉल्यूशन टाइप की चीज को बोला जाता है, सॉलिड इन लिक्विड। कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट्स। अच्छा, यहाँ सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ऐसे LTS हाँ, राइट। सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट्स, SALTS, क्योंकि जो FeCl3 है वो तो सॉल्ट है ना। हाँ, यहाँ पर बॉइलिंग हम लोग यूज करते हैं, हीट करते हैं, उसका रीजन ये है कि जो वाटर वेपर्स होती हैं ये HCl उनके साथ निकल जाता है, तो ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब इस प्रोसेस में भी वी गेट FeOCl ड्यू टू इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। इससे क्या फायदा हुआ कि जो FeOCl यहां मिल रहा है ना, इट एक्ट एज स्टेबलाइजर, याद है ना, सब में इसी तरह का हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर स्टेबलाइजर का काम करता है। किसको स्टेबलाइज करेगा? FeOH3, ये जो रेड ब्राउन सॉल्ट मिल रहा है। तो यहां पर भी अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें कि जो मिसेल यहाँ पर बनेगा वो कैसा लिखेंगे, पिछली बार का देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो सॉल्ट मिल रहा है उसको एम लिखते हैं, दिख रहा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, गेस करो, एम FeOH3। इतनी बात समझ में आई? और इसको आप ब्रैकेट में डाल दो ऐसे डॉट। अब तुमको FeOCl लिखना है, FeOCl एक्चुअली में इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो FeO प्लस और Cl माइनस करके ब्रेक करते हैं, राइट, तो हम यहाँ पर अगर मैं लिख दूं NFeO प्लस, तो बताओ इसके बाद, देखो मैंने यहाँ करली ब्रैकेट करके पहले लिखा था, लेकिन बाद में देखो मैंने कुछ स्टाइलिश तरीके से लिखा है एन माइनस एक्स करके, तो सोचो मैं अगर यहाँ लिख दूं एन माइनस एक्स सीएल माइनस, तो पूरे को ब्रैकेट में डालकर बाहर कितने सीएल माइनस लिखूंगा बताओ। एक्स यस, देखो अब कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, फिर भी तुम इसको सीख गए, कोई कंफ्यूजन बेटा? सर वी गेट वाला पॉइंट एक बार डिक्टेट करो ना। वी गेट ये लिखा है ना, FeOCl ड्यू टू इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस,
और वो स्टेबलाइजेस क्या है? इसी को स्टेबलाइजर बोलते हैं बेटा, ये हमारे सॉल को स्टेबलाइज करता है मिसल बना कर। ओके सर, कोई कंफ्यूजन? सर जो बॉटम राइट में है वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है एग्जैक्टली? बॉटम राइट में हाँ ये यही है बेटा, जो पहले जिस तरह से मिसेल लिखा है ना वैसे ही यहाँ पर है। अब ओके जब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा एक बार दोबारा सुनना, आपको सब सीक्वेंस में फिर समझ में आना चालू हो जाएगा अगर मिस किया होगा। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो बेटा, ये मेथड खत्म ही होने वाला। सर, एक डाउट था सर, हम पहले क्या कैसे चूज करेंगे? लाइक अभी इधर हमने NaCO+ को पहले चूज किया, तो ऐसा ऑपोजिट कर सकते हैं क्या कि NCl- चूज कर लिया फिर N-XFeO+ रखा, कि मतलब कुछ प्रोसेस होता है? नहीं, इसमें लेकिन ये कर सकते हो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास सिस्टम में FeCl3 भी है, ठीक है, तो FeCl3 का ये Fe मैच करता है ना कॉमन आयन, तो Fe3+ रख सकते हो। अच्छा, कॉमन आयन के हिसाब से देखना है ठीक हाँ, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन बताया था ना, ये भी हो सकता है कि तुम कुछ चाहो तो लाइक H+ भी आ सकता है अगर HCl के साथ दिया हुआ है। तो जो कॉमन वाला पार्ट है बस वही एड्सॉर्ब करके दिखाएंगे, है। ठीक है सर, समझ गया ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सर। प्रीवियस चैट भी मैं जा सकता हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट देना। ले लो बेटा, इसका भी ले लो। अब आप इसमें लिखिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट मेथड, छोटा सा है बिल्कुल, तो दो लाइंस का है समझ लो। लिखिएगा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट लिखिएगा इसमें बेटा। सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, सर बस 2 मिनट दे दो, एक हाँ सर। अभी लिखो बेटा। सॉल्ट्स SOLs, सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, When a concentrated solution, when a concentrated solution of sulfur in alcohol, in alcohol is put in a large amount of boiling water, is put in a large amount of boiling water, सर स्टेटमेंट एक बार रिपीट करो। salts can also be obtained by exchange of solvents. For example, when a concentrated solution of sulfur, concentrated solution of sulfur in alcohol is put in a large amount of boiling water, in a large amount of boiling water, the alcohol evaporates.
एल्कोहल इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड सल्फर पार्टिकल्स। सल्फर पार्टिकल्स विच रैपिडली ग्रो लीविंग बिहाइंड सल्फर पार्टिकल्स विच रैपिडली ग्रो इंटू कोलॉइडल सॉल्ट विच रैपिडली ग्रो सॉरी विच रैपिडली ग्रो इंटू अ कोलॉइडल सॉल्ट। ये मैंने आपको मेथड्स बता दिए प्रिपरेशन मेथड्स कोलॉइड्स की। ठीक है बेटा, हाँ चलो अभी हेडिंग डालिएगा बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सर लास्ट स्लाइड पर जाऊँ मैं, ठीक है सर, थैंक यू। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस लिखो बेटा। देखो होता क्या है कि जो आपने जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाए तो उनमें एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में, कुछ दूसरी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको कैसे रिमूव करें, तो उनमें से एक मेथड जो है वो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डायलिसिस। तो पहला मेथड है, मैं यहीं पर लिख भी देता हूँ बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलॉइडल सॉल्यूशन बाई मीन्स ऑफ, अंडरलाइन करके रखना बेटा, डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सामने डायग्राम में ही नजर आ रहा है, देखो मेम्ब्रेन वो जो बॉटल के फॉर्म में आपको दिख रहा है उसके अंदर ही जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और इम्प्योरिटीज हैं, तो डिफ्यूजन किसका हो जाएगा बेटा, जो बाकी इम्प्योरिटीज है उसका डिफ्यूजन हो गया, वो सेपरेट हो गए। ठीक तो सिंपल सा मेथड था। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। ठीक है, अब ये ऑर्डिनरी डायलिसिस है, इसमें ऑर्डिनरी तरीके से आपने डिफ्यूजन कराया। इलेक्ट्रो डायलिसिस में क्या होगा बेटा, आप वहां पर इलेक्ट्रोड्स यूज करो बेटा, एनोड एंड कैथोड। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाओ ना सर, लास्ट स्लाइड पर। ये ऑर्डिनरी डायलिसिस है बेटा, ये स्लो होता है। तो ब्लड कोलाइडल सजेशन होना, ब्लड क्या चीज बोला तुमने, ब्लड 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 खून
ब्लड की बात कर रहा है। हाँ, अभी वो आएंगे बेटा, वो जब एंड में मैं वो दिखाऊंगा। सर अभी कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है लोग थे? एंड में आपको जो कोलॉइड्स अराउंड अस है वो उसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा आप? सर अभी कौन से टॉपिक्स बाकी है? ये देखो एक तो मतलब अगर लेक्चर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो काम की चीजें आपने कर ली हैं और बाद में मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप जो है मेरे चैनल में जाकर के देख पाओगे लेक्चर्स को, तो बाद में कंप्लीट कर लेना आप पूरा जितना मैं लिखाऊंगा। तुम्हारे काम की सारी चीजें हो गई, एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके नॉर्मली उसको ऐसा बोल देते कि आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, लेकिन मैं आपको उसमें रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। जो इसके अलावा है कैटालिसिस वाला पार्ट है ना, याद है पहले लेक्चर में मैंने बोला था तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो हमने दो पार्ट लगभग फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो जो भी बचा हुआ पार्ट होगा वो बिकॉज तुम्हारा, तुम एमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना बेटा, है ना, एमटी में तो वैसे भी जो लास्ट की चीजें फिनिश होती हैं वो उसके क्वेश्चंस नहीं डाले जाते, तो तुम एमटी में ज्यादा पुराने चैप्टर्स पे फोकस्ड रहना। हाँ अगर जो थियोरिटिकल कोई चीज आ गई है तो अच्छी बात है, आप कोई बुक सॉल्व करने मत बैठ जाना कि तुम सोच लो नीरज कुमार फिनिश कर लेते हैं इस चैप्टर का, तो वो अभी नहीं करना है, वो सब अगर आप सॉल्व करते भी हो तो आप बाद में उन सबको सॉल्व करना जब आपका मेजर टेस्ट खत्म हो जाए। ठीक है, और मैं वो जो बचा हुआ पार्ट है वो रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा। सर तो एमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना अभी? अभी के लिए वो तो कॉमन सेंस है ना, मतलब तुम इतने सारे एमटी देख चुके हो, अब तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाना चाहिए, ये खुल के टीचर नहीं बोल सकता तुम्हें, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि जो चैप्टर्स एकदम लास्ट में हुए हैं कहीं हो रहे हैं, हो सकता है कहीं फिनिश भी ना हुआ हो, है ना, कई जगह पढ़ाया ही नहीं जाता, टीचर्स कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, ऐसे ही बोल दिया या कर लेना, तो उतना नहीं आएगा। हाँ लेकिन जेई एडवांस में तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर मिले। ठीक है बेटा, सर डायग्राम से इम्पोर्टेंट है डायलिसिस के? नहीं, ये तो तुम ऐसे एक कंटेनर बनाओ उसमें कोई मेम्ब्रेन दिखा दो, वो तो सेपरेशन, वो तो अपने को मालूम ही ना, हम डिफ्यूजन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते समय भी तुमने किया हुआ था। हाँ ठीक, ठीक है, तो थैंक यू। व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है, तो इसको फास्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो इम्प्योर कोलोइडल सोल्यूशन है अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो बिकॉज हमने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं तो हम लोग प्रोसेस का नाम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इसमें भी वही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को लेते हैं किसी बैग में रख देते हैं सुटेबल मेम्ब्रेन के, और प्योर वाटर को बाहर ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स फिट कर देते हैं, तो आयंस जो प्रेजेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन में दे माइग्रेट आउट ऑफ दैट बैग, वो अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड्स है उनकी तरफ मूव कर जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। केवल यही डिफरेंस है इसमें और उसमें। क्लियर है बेटा? इसमें इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। क्लियर जी है? अब आज की लेक्चर का एक लास्ट यही प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सर, तो इलेक्ट्रो डायलिसिस पे कुछ लिख सकते हैं या कुछ नहीं? इसमें केवल इतना ही लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसमें केवल ये है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब वो जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं वो कैसी हो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, क्योंकि प्लस माइनस होगा तभी तो माइग्रेशन होगा, राइट ना? तो क्रिस्टलाइड होना चाहिए ना इलेक्ट्रोलाइट? हाँ क्रिस्टलॉइड तो होना ही चाहिए वो, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, तभी ये मेथड अप्लाई होगा, नहीं तो हम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रो डायलिसिस तो कर ही सकते। सर अच्छा क्या इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो अंदर सॉल्यूट है वो? हाँ, इम्प्योरिटी हाँ उसको ओके रिमूव करना है,
प्लस माइनस लगाकर तुम किसको रिमूव कर पाओगे? जिसके पास चार्ज होगा ना, वही तो बाहर भागेगा उन इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ठीक है, हाँ। यस अब एक लास्ट लिखिएगा बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। सर, एक सेकेंड, लास्ट स्लाइड, एक सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लो, फिर आप रेस्ट करना। देखिएगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन बाय, अंडरलाइन करके रखना है इसको, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, ये कैसे फिल्टर्स होते हैं? दे आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोई ऑर्डिनरी फिल्टर लोगे तो उसमें से सब पास कर जाता है, ठीक है? जो उनकी पोर्स हैं फिल्टर्स, फिल्टर पेपर के, वो उसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है? यहां पर मैं लिखता हूं, एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है तो ये स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स के नीचे आपने क्या लिखा है? दीज आर दे आर परमेबल टू ऑल। परमिएबल, परमिएबल ये उन्हीं को अलाउ करते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, बाकी सबको नहीं करते हैं। दे आर परमिएबल मतलब कोलाइडल को छोड़ के बाकी सबको अलाउ करते हैं। दे आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल। ये एक सॉल्यूशन यूज करते हैं बेटा, ये एक्चुअली 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। एल्कोहल या ईथर में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और पर ये उसको यूज सॉल्यूशन करते क्या हैं। काम करता है? और ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसको स्पेशल फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बाकी सारे सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होता है एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होगा उसको सोक कर दो इस सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन में इतना लिख लिया बेटा ना। हाँ सर, वो आप कंपाउंड का नाम आप बोल सकते हो? एक मिनट, ये क्या? हाँ, कंपाउंड का, अच्छा वो तो वो मैंने ये बोला है कि ये 4% नाइट्रोसेल्युलोज होता है एल्कोहल में। हाँ, अभी लेकिन जब तुम उसको सोक करोगे तो तुमको ड्राई भी करना पड़ेगा उसको, तो उससे पहले उसको हार्डनिंग की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्मल्डिहाइड इज यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ दैट पेपर। फॉर्मल्डिहाइड इज यूज फॉर हार्डनिंग। ठीक है, एंड फिर ड्राई कर देते हैं तो हमें अल्ट्रा अल्ट्रा इसको बोल सकते हैं फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सर एक डाउट था, बोलो ना बेटा।
अगर जो कोलाइडल सॉल्ट है उनके साथ इम्प्योरिटीज में कोई पार्टिकल्स है जो उनसे बड़े साइज के हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, तो फिर कैसे प्योरीफाई करेंगे? बड़े नहीं है मतलब जो कोलाइड्स है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है सॉल्ट्स, हाँ अगर जो इम्प्योरिटीज है वो उसके साइज से बड़े हैं, तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन जब आप जो मेथड्स यूज करते हो उन मेथड्स को देखो, जो चीजें हमने यूज की हैं वो बेसिकली वो सल्यूट्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस, तो आपको वही मिलने वाले हैं ना जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे। क्लियर है? ये सर तो मेथड्स हम, क्रिस्टलॉइड्स का साइज कोलाइड से बड़ा नहीं हो सकता? वो तो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ना, छोटे साइज में रहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, अभी ओके ठीक है। हाँ सर, और पीडीएफ भी रेस्ट शेयर करो। कर दो। हाँ ठीक है, अभी आप रेस्ट करिए। थैंक यू सर। ओके।